सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन हमने यार एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के जो टॉप के मेडिकल कोर्सेज हैं उन पर एक सेपरेट वीडियो कर रहे हैं, और इस वीडियो में उस पर्टिकुलर मेडिकल कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी सारे कोर्सेज पर वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMLT के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। बात करेंगे कि इस मेडिकल कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एडमिशन इसकी प्रोसेस क्या रहती है, एवरेज फीस रहती क्या रहती है, और एवरेज फीस के बिहाव पर आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड एवरेज सैलरी जो है वो कितनी मिल सकती है। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद टॉप के जो रिलेवेंट जॉब्स हैं इससे रिलेटेड वो कौन कौन से जॉब हो सकते हैं, और उन जॉब से आप कितना कमा सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे किस वीडियो में। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपको 10+2 पास होना पड़ेगा, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, एंड आपके जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपके 50% होने चाहिए। यानी कि आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ, और आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 50% होने चाहिए एग्रीगेट रूप से। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और बायो में 50% हो। अगर आपके ओवरऑल 50% है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो कोर्स है वो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की, बिकॉज यू आर एलिजिबल, अब आपको इसमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? तो यार, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नहीं लिया जाता। आप में आपके 12th में जितने भी मार्क्स हैं उन मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसी मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में किसी भी कॉलेज में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम BMLT के रिगार्डिंग नहीं होता, आपको डायरेक्टली 12th के मार्क्स पर, 12th की मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन जो है वो दिया जाता है। इज इट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट इस कोर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये कोर्स है क्या। तो यार, कोर्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादा लंबा यानी कि ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ये कोर्स है, और 6 महीने की आपकी इसमें इंटर्नशिप रहती है, 6 महीने की जो कि कंपलसरी है। 3 साल का कोर्स यानी कि और 6 महीने की इंटर्नशिप, यानी कि 3.5 साल में पूरा का पूरा ये कोर्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब एरियाज़ की, यानी कि आप एलिजिबल हैं, आपने एडमिशन करा लिया और आपने 3.5 साल का जो कोर्स है वो पूरा कर लिया, अब इस कोर्स को करने के बाद किन किन एरियाज़ में आप इसके रिगार्डिंग जॉब कर सकते हैं? तो जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ होगी, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज़ होगी, ब्लड बैंक हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होगी, इन सब में आप इस कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं, और इजीली आपको इसमें जॉब्स जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि इन एरियाज़ में हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद जॉब टाइप्स का क्या क्या रहेंगे, किन किन टाइप्स की हम जॉब कर सकते हैं? तो उसके अगर रिगार्डिंग देखें तो आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लेबोरेटरी मैनेजर्स बन सकते हैं, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, सुपरवाइजर्स, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेल्थ आउटरीच कोऑर्डिनेटर्स, लेबोरेटरी सिस्टम एनालिटिक्स, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं, और जो मैंने जॉब एरियाज़ बताए हैं उन एरियाज़ में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी फ़ीस की, 7 के टॉप के कॉलेजेस की, तो सबसे पहला आपका है PK यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है PK यूनिवर्सिटी, सब में एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस पर रहता है। इसकी जो एनुअल फीस है, एनुअल ट्यूशन फीस है, वो 1.74 लाख है। माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान की अगर बात की जाए तो 1.4 लाख। जो पैरा मेडिकल कॉलेज है दुर्गापुर में, इसकी 3.66 लाख। यानी कि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग जो है वो ट्यूशन फीस यहाँ पर रहती है। इसके बाद मेवाड़ यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, उसकी 99,000 ही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की 1.05 लाख है। आयुष्मान कॉलेज भोपाल की 1.68 लाख कॉलेज है, इसकी पूरी ट्यूशन फीस।
इसके अलावा शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है, इसकी 1.65 लाख। सिक्किम की मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है गंगटोक में 2.5 लाख, और जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में उसकी 2.4 लाख जो है वो रहती है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको जॉब प्रोफाइल्स बताई हैं, जैसे कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट, R&D लैब असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी मैनेजर, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इन जॉब प्रोफाइल्स में आप कितना कमा सकते हैं पर एनम। तो सबसे पहले अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात की जाए, तो आप जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं तो 2.43 लाख के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप इतना कमा सकते हैं। इसके अलावा R&D एंड लैब असिस्टेंट की बात करें तो 3 लाख के करीब इसमें। अगर आप लेबोरेटरी मैनेजर बनते हैं तो 5.5 लाख से 6 लाख के करीब पर एनम आप इजीली जो है वो सैलरी गेन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में 3 लाख एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आप 4.5 से 5 लाख इजीली जो है वो सैलरी गेन। यार ये थी एक कंप्लीट वीडियो BMLT यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हद तक आप सभी को पसंद आई होगी। और भी आपकी नज़र में कोई कोर्स है जिस पर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।